नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया, सीधे आपको ले चलता हूं उज्जैन, जहां पर पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा संचालन का शुभारंभ सीएम मोहन यादव कर रहे हैं। पर्यटन सेवा, लेकिन एयर टैक्सी की भी सेवा हमारी प्रारंभ हो गई है। और इस कार्यक्रम में, इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली में कंजू सेवा करो। जोरदार ताली, जितनी जोरदार ताली उतनी सोना है। इस कार्यक्रम में उपस्थित एसीएस आदरणीय राजोरा जी, आदरणीय हमारे विधायक अनिल जैन कालू खेड़ा साहब, महापौर लोकेश कटवाल जी, आदरणीय सतीश मालवी जी, भारतो सिंह जी बोरला साहब, आदरणीय विवेक जी जोशी साहब, हमारे चंद्रमोनीला जी, यादव जी और मंचा सिंह, सभी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण सामने उपस्थित, अशोक प्रजापत जी, उल्लास जी, वे सब आदरणीय अरोरा जी, आदरणीय राजेंद्र भारती जी, आदरणीय पटेल साहब और समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु भटोल साहब और सम्मानीय मंच। और ये हमारे लिए बड़े आनंद का अवसर है कि हम ये सोचा करते थे कि इंदौर में विकास हो रहा है, उज्जैन में 12 साल में जब सिंहस्थ होता है तब हमारे यहाँ का विकास होता है। लेकिन बाबा महाकाल के असीम कृपा से और हमारे सभी के भाग्य से हमारे बीच से जिन्होंने संघर्ष करा, संघर्ष साथी हमारे संगठन के साथी ऐसे भाई मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं। और मध्य प्रदेश में उज्जैन की दिशा और दशा बदलने का काम तेज गति से हो रहा है। 800 करोड़ की एक सौगात मिली। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जावरा से नागदा उन्हें पीतमपुर फोर लेन सड़क कैबिनेट में लाकर स्वीकृति दी। बहुत जल्दी उसका भी डीपीआर बनके काम प्रारंभ हो रहा है। कल नामगिरी से लेके तो नरवर तक का फोर लेन की सौगात ये भी हमको दी। उज्जैन शहर के कई सड़कों को फोर लेन कराने की सौगातें दी, उनका भी अभी भूमि पूजन होने वाला है। और मध्य प्रदेश में उज्जैनी ने अपनी तो पूरे मध्य प्रदेश में 100 दिन में 100 से ज्यादा सौगातें अगर किसी ने दी तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने दी। और अभी 100 दिन जो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार करा हुआ है और 100 दिन कई सौगातें मध्य प्रदेश को विकास की गति में देने वाले हैं। मैं आज सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि वो दिन प्रतिदिन जो सौगात दे रहे थे वो वास्तव में भारत के मध्य प्रदेश को प्रथम हिस्सा में विकसित राज्य में लाके खड़ा करेंगे, ये पूरा विश्वास है। बाबा महाकाल से भी ये मैं प्रार्थना करता हूं और एक मांग, क्योंकि मैं सांसद हूं तो मुख्यमंत्री जी से एक मांग तो रखूंगा ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने उज्जैन ओंकारेश्वर से जोड़ा ही है, लेकिन इस सेवा को अगर आप बगलामुखी माता से भी जोड़ेंगे तो तीर्थयात्री दर्शनार्थियों को भी एक बहुत बड़ा सुनने का अवसर मिलेगा। इसका ही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी, श्री अनिल फिरोजिया जी, आपके अभिनंदन।
भगवान जी के माध्यम से मध्य प्रदेश की सुंदर जंगलों, नदियों और झरनों को ले सकेंगे भक्तजन और पर्यटक भी। और अब हम सत्संग आग्रह करना चाहेंगे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। बाबा का महाकाल के नगरी के वासी हैं जो अपने सकारात्मक ऊर्जा से सोच से निरंतर मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें अपने मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। अरे यार लाइट आ रहा है भाई, आप अपने अपने माता की आज का दिन कई अर्थों में बहुत महत्व का है। गंगा माता का भी आज अवसर धरती पे हुआ था, तो गंगा मैया की नर्मदे क्षिप्रे महारानी तो बाबा महाकाल हुए थे महाकाल महाराज की। आप बताओ बाबा महाकाल की नगरी और बाबा महाकाल के प्रांगण में बाबा ने ये हम सबके लिए यश दिया, कीर्ति दी, प्रसिद्धि दी, शासन की व्यवस्थाओं का अवसर दिया और आज ये उज्जैन के इतिहास के लिए वैसे बीते कल से आज तक लगातार सौगातों का तो सिलसिला इतना जबरदस्त है, ऐसा लग रहा कि भगवान राम का काल हमने नहीं देखा। हनुमान जी को पूछ को पकड़ने गए थे तो वो कितनी लंबी पता नहीं चली, लेकिन ये गारंटी कि उज्जैन के विकास के मामले में हमको याद आएगा कि हनुमान जी की पूछ की तरह ये विकास कहा जाके खबेगा हमको मालूम नहीं है, कितने प्रकार से काम हो रहे। और पवन पत्र को याद करते तो हवाई मार्ग में याद आ जाता है और हवाई मार्ग में भी आप अंदाज लगाओ तीन दिन में दो बड़ी सौगात और दोनों में हमारे धार्मिक पर्यटन के साथ पूरे प्रदेश का ध्यान रखा। अभी अभी माननीय सांसद जी ने कहा, सांसद जी आपके लिए बता रहा हूँ, दोनों माननीय विधायक है, महापौर जी है, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी है, सभी मंचस्थ अतिथिगण है। उज्जैन से एयर टैक्सी का भी शुभारंभ हुआ हमारी अपनी हवाई पट्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए जोरदार ताली बजा, उनके कारण से पूरा एयरपोर्ट बनने का हमारा प्रपोजल भारत सरकार में मंजूर होके आगे आ गया और बड़ी बात है। तो उज्जैन का एयरपोर्ट अब पूरा बनेगा ये प्रस्ताव हमारा भारत सरकार ने माना, अब उनने हमसे लैंड की अपेक्षा की है, थोड़ा सा पीछे की आगे की जमीन हमको और चाहिएगी। तो घटिया के विधायक जी बैठेंगे थोड़ी कुर्बानी देंगे, थोड़ा करेंगे जगह होगा तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो घरवर को थोड़ा दाया बाया करना पड़ेगा पीछे से जाने के लिए, तो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमको अपने विकास के मामले में जब अपने देव स्थान को आगे पीछे हो सकते हैं, दरवाजा के गेट से लगा करके और ये जो अपना केडी गेट का उदाहरण बना जोरदार तल बजा उज्जैन वालों के लिए, पूरे देश में इतना अच्छा उदाहरण नहीं है। जब लोगों ने स्वेच्छा से अपने धर्म स्थल को पीछे किया, एक बार सबको प्रणाम करता हूँ, सबको आशीर्वाद अदा करता हूँ, जो विकास के मामले में उज्जैन संकल्प ले रहा है ये कई मामलों में हमारे लिए बड़े अलग प्रकार का। आज हमारे यहाँ सब स्टैंड भी बैठे हैं तो मैं आप सबको प्रणाम करते हैं, भगवान करे किसी की नजर लगे। आज जो शुरुआत हो रही है जल तो आन डायवर्सन कंडक्ट योजना की बात कर सच्चे अर्थों में वो खान डायवर्सन नहीं है, वो तो पूरी की पूरी नदी को पलटाने की धारा है, पूरी नदी पलटा करके दूसरी दिशा में वो जो बड़ी धारा मिलने वाली थी और उस धारा की अगर साइज देखेंगे तो कितनी बड़ी बनेगी, ये अपना जो सेट है इससे थोड़ी छोटी होगी, बाकी ट्रक पूरा घुसके अंदर घुमाता रहेंगे अपन का इतनी बड़ी वो अपने आप में लाइन बनेगी जिसके माध्यम से नदी की पूरी धारा उसमें समाहित होकर के वो अलग जाने वाली। तो गंदा पानी अपने नदी में नहीं मिलेगा, छिपरा शुद्ध पानी आएगा, ये उज्जैन की कीर्ति बढ़ाने के लिए। अब ये हमारे यहाँ एयर टैक्सी के बाद हेलीकॉप्टर सेवा, ये हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जोरदार ताली बजाओ अपने लगभग लगभग। वैसे तो उज्जैन से इंदौर का भी 6 लेन हमने मंजूर कर दिया,
लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लागत का उज्जैन इंदौर का फिक्स रहे हैं, 6,000 करोड़ का, और ऐसे 5,000 करोड़ का जावरा उज्जैन फोर लेन, तो दो ही 11,000 करोड़ का है। और अभी ऐसे के माध्यम से उज्जैन में लगभग 6,000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र तो गिने ही नहीं है, विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 1,000 एकड़ हमारी सारी पूरी हो गई, और 1,000 एकड़ जमीन हम दूसरी लेने वाले ताकि रुपये उद्योग और बना सके हमारे यहाँ, उसका प्रपोजल में आगे बढ़ा दिया है। तो उज्जैन के अंदर उद्योग धंधों में कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, कोशिश तो बहुत सारी चल रही है। सब मिला के लगभग लगभग अभी के हिसाब में ये ऐसा कुल मिलाकर के विकास का कारोबार, जिसको शब्दों से आंकड़ों से बांधोगे तो थोड़ा अतिशयोक्त लगेगा, लेकिन एक एक करके आप देखो जो हमने कहा था वो सब करके निकल जा रहा है। और हेलीकॉप्टर सेवा केवल उज्जैन ओंकारेश्वर नहीं है, यह हमारे अतीत के हजारों साल पुराने द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रति पूरे देश और उद्या की जो आस्था है उसको जोड़ने का संकल्प हमारे सबके सामने है, वो आनंद हम सहभागी बन रहे हैं। बाबा महाकाल, ओंकारेश्वर अर्थात ममलेश्वर, ये केवल हमारे ही मध्य प्रदेश में उनका स्थान है, ये तो विश्व धरोहर है, और विश्व के धरोहर होने से हरेक कोई को उनके दर्शन करने की इच्छा होती है, हरेक कोई उनको उनके जाने का हक है। तो आप जिसको जिस तरह से जाना, हमारे अपने सड़क मार्ग से जाओ तो सड़क मार्ग बना के दे देंगे, रेल टाइम के आधार पर रेलवे का सर्वे कराने का कंप्लीट कर रहे हैं, रेल से जाओ रेल से चले जाएंगे, और हवाई मार्ग से जाओ समय बचाने के लिए तो ये हेलीकॉप्टर सर्विस आपके यहां मिल रही है, और हेलीकॉप्टर सर्विस से अभी उज्जैन ओंकारेश्वर जोड़ रहे हैं। भोपाल से किसी को दर्शन करने की इच्छा तो भोपाल से उज्जैन ओंकारेश्वर माँ का दर्शन करे, ओंकारेश्वर जाना तो ओंकारेश्वर चले जाए, इंदौर से उज्जैन आके दर्शन करना तो हेलीकॉप्टर तो आज शुरू होना है। ये 2 हेलीकॉप्टर के बाद अगले महीने मेरे को नलखेड़ा से आगे दिख रहा है हमारे सभी देवस्थान, मैहर की माता जी, दतिया की माता जी, राजा राम का मंदिर ओरछा, कमाल काल के हमारे पर्यटन के सभी केंद्र, और अधिकतम समय में कम समय में अधिकतम चीजों को जानने समझने के लिए उनकी उपलब्ध सेवा है। इस नाते से आज की शुरुआत ही मैं अपनी ओर से शुरुआत भी कर रहा हूँ और बधाई भी दे रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। दिशा सिंह को और आपको बता दें दिशा जी मुंबई से आई हैं और मुंबई से आने के बाद ये मध्य प्रदेश में उज्जैन से ओंकारेश्वर तक जाएंगे। आगे प्रदीप कृष्ण कुमार जी को, प्रदीप कृष्ण कुमार जी तीनों को बोर्डिंग पास प्राप्त हो गए हैं और आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय विधायक जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे फील्ड पर जो एयरक्राफ्ट खड़े हैं पहले सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानीय अतिथि गणों से कि वे हरी झंडी दिखाकर एयरक्राफ्ट को रवाना करेंगे। आप सभी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, उन स्थानों पर आप बैठकर स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी पीएमसी
ठीक है सर, लगातार थोड़ा नीचे करो। मध्य प्रदेश सरकार लगातार हवाई सेवाओं विस्तार के लिए लगी हुई है और खासकर हमारे अपने प्रदेश के अंदर जो हमारे धार्मिक पर्यटन केंद्र हैं, बाकी पर्यटन के केंद्र हैं और कई ऐतिहासिक पौराणिक और पुरातात्विक महत्व की अलग अलग प्रकार के स्थान हैं। इन स्थानों पर सरलता से सुगमता से यात्री कम समय में जाकर के जल्दी से उसको अध्ययन करे, देखे या श्रद्धा व्यक्त करे। इसी की शुरुआत में आज दो द्वादश ज्योतिर्लिंग के हमारे दो ज्योतिर्लिंग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, भोपाल, इंदौर ये दो हेलीकॉप्टर के माध्यम से सेवा हुई है। आने वाले समय में हेलीकॉप्टर और बढ़ते जाएंगे और इस सेवाओं का विस्तार होगा। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर मध्य सरकार की ओर से आप सबको बधाई। आज फादर्स डे भी है हमारे लिए, बाबा महाकाल के चरणों में ये सेवा समर्पित है। हम सब पुत्र हैं उनके, वो हमारे पिता हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से विकास का कारोबार चल रहा है, 3 दिन पहले हमने अपने 8 शहरों के लिए एयर टैक्सी की सौगात दी थी, आज हेलीकॉप्टर सेवा हमने शुरू की है। एयर एम्बुलेंस की सेवा हमने पहले से जारी रखी थी। इसी प्रकार से विकास के लगातार आयाम बढ़ते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से आज गंगा दशहरे के अवसर पर शिप्रा जल गंगा अभियान का आज हमने अंतिम दिन सर पिताजी का आशीर्वाद दिया है। जितने प्रकार से काम खोले गए हैं प्रदेश भर में, लगभग 4,000 करोड़ के विभिन्न कामों की मंजूरियां दी गई है और 6 लाख से ज्यादा जनभागीदारी के इस समय सबके सह अस्तित्व का बड़ा प्रमाण मिला। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से ये सब जल संरक्षण के काम हुए ये एक तरह से बाकी सबको प्रेरणा देंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। पिताजी का आशीर्वाद भी दिया है। हाँ फादर, मेरे अपने परिवार ने मुझे पिताजी का आशीर्वाद दिया। एक बार फिर से आपको ले चलते उज्जैन, जहां पर पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का संचालन करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं और पूजा पाठ शुरू। कैमरा पीछे करना आपका। हाँ साइड महाराज की ओ अपन को तो बैठना है ना, क्या हरी झंडी में भी उतरेंगे।